aku. Good morning, India. Monday to Friday, back to back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. Hello. Hello everyone, मैं हूँ सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ Wi-Fi Study Changing the Way of Learning, India's number one study channel, part of an academy now. कल है आपका SBI का mains और उसके लिए आप सभी को all the very best जिनका भी कल paper है. आज हमारी जो है GA क्लर्क रिवीजन की लास्ट क्लास होगी SBI क्लर्क मेंस की. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. क्वेश्चन आंसर होंगे. बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आज मैंने नहीं रखे हैं क्योंकि एग्जाम के एक दिन पहले बहुत ज़्यादा पढ़ोगे तो कन्फ्यूजन होगी. ठीक है, इसलिए आज मैंने थोड़े से कम कर दिए क्वेश्चन ताकि आप लोग कम देखो, उसके बारे में हल्का हल्का डिस्कस करते चलेंगे, आगे बढ़ते चलेंगे. ओके, वन मोर थिंग, आज जो है रात में टाइम से सो जाना, लाइट खाना खाना और कल बहुत आराम और ठंडे दिमाग से पेपर देने जाना, वरना सारी गड़बड़ कर दोगे. ठीक है, चलो फिर मैं कह रही हूँ जरा शेयर कर देना. वही है ना, जो पैसे में मिलेगा उसकी कीमत करोगे. मुफ्त का मिलता है तो कीमत ही नहीं है. कीमत किया करो यार, शेयर किया करो, वरना ऐसी क्लासेस फिर थोड़ी आएंगी जब आप लोग का एंथुसियाज्म ही नहीं दिखेगा बिल्कुल. चलो क्वेश्चन देखो पहला, कि अभी अभी जो है डायरेक्टर जनरल FAO का किसको चुना गया है. यूनाइटेड नेशन की एक खास एजेंसी है FAO नाम की, यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, है ना. आपको बताना है कि इसका अभी अभी डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है. अब नाम आपके सामने दिए हुए हैं ABCDE, आंसर क्या होगा बताइएगा. हाँ चलो, शुभ्राशीष गांगुली का सबसे पहला आंसर भी आ गया. आंसर क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही भी आया है, आंसर विल बी क्यू डोंग्यू. ठीक है, क्या नाम है, क्यू डोंग्यू. FAO की हम लोग बात कर लें तो FAO एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN की और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर है, रोम इटली. रोम इटली इसका हेड ऑफिस है. एक खास पब्लिकेशन आती है एग्रीकल्चरल आउटलुक. ठीक है, एक खास पब्लिकेशन आती है एग्रीकल्चरल आउटलुक जो कि FAO OECD के साथ मिलकर पब्लिश करता है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा. प्रेस्टीजियस रेड इंक अवार्ड का इस बार किसको सम्मानित किया गया है रेड इंक अवार्ड से, जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 में. इन सारे जर्नलिस्ट में से आपको नाम बताना है कि इस बार जो है कौन से जर्नलिस्ट को प्रेस्टीजियस रेड इंक अवार्ड दिया गया है, उसका जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड दिया गया है. ठीक है, नाम बताइएगा किसको दिया गया. अब देखो रेड इंक अवार्ड से एक चीज तो हमें क्लियर हो गई होगी कि ये जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है. ठीक है, जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है और ये जो संस्था है, संस्था का हेड ऑफिस आपका आबू धाबी है और जो चेयरमैन है वो फ्रांसिस्को ला कैमरा है. फ्रांसिस्को ला कैमरा हेड ऑफिस है आबू धाबी. ठीक है, आपको आंसर बताना है कि किसको ये अवार्ड दिया गया है. हाँ, द आंसर इज रचना खैरा. ठीक है, रचना खैरा को जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर रेड इंक की तरफ से दिया गया है इस बार. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. IRENA के हिसाब से कौन सा देश सबसे सस्ता सौर्य पावर वाली चीजें दे रहा है. ठीक है, सबसे सस्ता सोलर पावर का प्रोड्यूसर जो है पूरे विश्व में कौन सा देश है. चाइना, US, इंडिया, इटली, जापान, क्या आंसर होगा. IRENA का फुल फॉर्म भी आपको यहां से पता चल गया होगा, क्या होगा, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ठीक है, बताइएगा सबसे सस्ता कहां, कौन से देश में इसका प्रोडक्शन होता है. अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर होगा. एक बार आप सभी लोग देखिएगा इसका हेड ऑफिस कहां पर होगा. ठीक है, मेरा भारत महान, यस वेरी गुड, द आंसर वुड बी इंडिया. ठीक है, कौन सा देश दे रहा है ये आपको, इंडिया प्रोवाइड करता है और इंडिया में जो एक अकेला अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कौन सा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेड ऑफिस कहां पर है, गुरुग्राम. ठीक है,
चलो अगला क्वेश्चन देखो. कौन सी इंडियन मूवी को आउटस्टैंडिंग आर्टिस्टिक अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था 22वीं शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में? कौन सी मूवी को दिया गया था? आंसर बताइएगा, बताइए भाई, कमेंट बताते चलिए, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, बताते जाओ. हाँ, सी इसका आंसर क्या होगा, किसको मिला है ये अवार्ड? ये मिला है आपका वेल मरंगल को. ठीक है, वेल मरंगल को मिला है. अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि जियो AML एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म है, कौन से देश द्वारा लॉन्च किया गया है? जियो AML है, ठीक है, क्या है ये? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म. ठीक है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग आपको बताया गया था ना कि जो काला धन होता है, ब्लैक मनी होता है, उसको किसी प्रोसेस से सफेद कर देना, ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसी को कहा जाता है मनी लॉन्ड्रिंग. ठीक है, आपको बताना है कौन से देश ने गो AML लॉन्च किया गया लिया है. मलेशिया, इराक, ओमन, UAE या सऊदी, क्या आंसर होगा? ओके, देखो आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा UAE. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो एक्ट होता है हमारे देश में, वो होता है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002. इसके तहत अगर आप कभी भी काले धन को सफेद में करते हुए, ऐसा कुछ भी करते हुए पा गए, तो आपसे क्या होगा, आपके ऊपर जुर्माना लगता है, 3 साल का जेल और 5 लाख रुपए का फाइन. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा. अभी अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन किसको बनाया गया है? अभी अभी संस्था है जो इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? आंसर में आंसर बताइएगा, ABCDE, आंसर क्या होगा? हाँ, देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा किसको बनाया गया है, ये बनाया गया आपका अमित अग्रवाल को, IAMAI के चेयरमैन अभी अभी इनको नियुक्त किया गया. अगर IAMAI की और थोड़ी इंफॉर्मेशन ले लें तो इसका हेड ऑफिस मुंबई में है और इसको 2004 में स्थापित किया गया था. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए. फोर्थ रेजिलियंट सिटी एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2019 की मीटिंग जो कि ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव, कहां पर हुई थी? ठीक है, रेजिलियंट सिटी एशिया पैसिफिक कांग्रेस 2000 की मीटिंग कहां पर हुई थी, इन इन शहरों में से? आंसर बताइएगा. आंसर टाइप करते चलना सभी लोग. देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नई दिल्ली. नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था मीटिंग को. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि 10% EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो कोटा आया था उसमें 2 लाख एडिशनल सीट बनाने के लिए हमारी प्रधानमंत्री द्वारा बैठक की गई कमिटी के द्वारा कितने और पैसे दिए गए हैं इस फंड को? ठीक है, EWS आया था ना, EWS कोटा, तो उसमें जो है 2 लाख और सीटें बढ़ाई गई हैं, इसके लिए कितने पैसे दिए गए हैं प्रधानमंत्री द्वारा? आंसर बताइएगा इसका. EWS आपको पता होगा, जिन भी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम है सालाना, उनको दिया जा रहा है, जो कि जनरल कोटा के हैं उन लोगों के लिए इसको लागू किया गया. पहला गुजरात स्टेट बना था इसको लागू करने वाला और ये 124th अमेंडमेंट बिल के तहत इसको लाया गया है. ठीक है, आपको बताना है कितना और पैसा दिया गया है 2 लाख एडिशनल सीट के लिए. देखो कितना दिया गया, 4315.15 करोड़, इतना एडिशनल पैसा दिया गया है. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. एप्पल जो अभी अभी इंटेल को एक्वायर किया है, एप्पल ने कितने रुपए में किया है ये पूरा अमाउंट? ठीक है, इंटेल को अभी अभी अधिकृत किया है किसने? एप्पल कंपनी ने. आपको बताना है कितने रुपए में ये काम हुआ है पूरा पूरा. देखो एक और चीज याद रखना, इंटेल की बात कर लें, एक अमेरिकन कंपनी और एप्पल भी, कई कई बार पूछ लिया जाता है कौन से देश की कंपनी है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए. ठीक है, देखो ये हुआ है पूरा डील 1 बिलियन में, 1 बिलियन में अक्वायर किया एप्पल ने. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो. इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट लिखने वाले का नाम क्या है?
कौन लेखक है इस किताब के, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, किसने लिखी है? आंसर बताइएगा जल्दी जल्दी। देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा यूवी सिंह। यूवी सिंह द्वारा ये किताब लिखी गई थी, इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। खेलो इंडिया 2020 में जो होने वाला है, इसका तीसरा एडिशन ये कौन से राज्य में होगा, कहां पर होगा खेलो इंडिया 2020? आंसर बताइएगा इसका। देखो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं कि समझ नहीं आ रही है, क्वेश्चन दिया है, आंसर करना है। कल एसबीआई क्लर्क मेंस का पेपर है, उसी की तैयारी चल रही है कि एक रिवीजन हो रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं वो रिवीजन कराया जा रहा है, बस समझने की कोई बात ही नहीं है इसमें। हाँ वेरी गुड, इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा असम। असम में खेलो इंडिया 2020 का तीसरा एडिशन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अभी मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल 2019 का किसे मिला है, अभी अभी मिस डेफ वर्ल्ड टाइटल 2019 का खिताब किसे मिला है, आंसर बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना, किसे ये खिताब मिला है। देखो इसका आंसर क्या होगा, विदिशा बालियान। विदिशा बालियान, ये खबर तो मुझे लगता है कि फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा चली थी कि इन्हें जो है अभी अभी मिस डेफ वर्ल्ड 2019 का खिताब मिला था, किसे, विदिशा बालियान। ओके अगला क्वेश्चन देखिएगा। हॉल ऑफ फेम ओपन फॉर टेनिस 2019 में किसका नाम गया है। ठीक है, टेनिस जो होता है हॉल ऑफ फेम 2019 में किसका नाम गया है इन लोगों में से, आंसर बताइएगा। जॉन आइनर, उगो हम्बर्ट, मैथ्यू एबडन, अलेक्जेंडर बब्लिक, मार्सल ग्रैनोलर्स, क्या आंसर होगा बताइएगा। देखो इसका आंसर है आपका जॉन आइनर, जॉन आइनर। ठीक है, एक और चीज याद रखिएगा, जॉन आइनर यूएसए के टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, ये यूएसए के टेनिस खिलाड़ी हैं, किनकी बात हो रही है, जॉन आइनर। अगर ये क्वेश्चन आता है किसका नाम गया है तो ये आंसर होगा, अगर आता है कौन से देश के हैं तो आंसर होगा यूएसए के। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसने डिसाइड किया है कि वो लोकल करेंसी में फिनेंस करेगी कौन से देश को, यानी कि अभी तक लोन लेते हो तो डॉलर्स में मिलता है, लेकिन जिस देश को अभी देने वाली है इस डील के मुताबिक, जिस देश को ये पैसे देगी वो उसी की करेंसी में देगी, किस देश के साथ में ये फैसला लिया है इन्होंने, आंसर बताइएगा। अच्छा, AIIB का हेड ऑफिस आपका बीजिंग होता है और प्रेसिडेंट जिन लेकेन होते हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट है और हेड ऑफिस है। ठीक है, किस कंट्री को लोकल करेंसी में फिनेंस करने वाली है, इंडिया को, यहीं की करेंसी में जो है फिनेंस करेंगी अब। ठीक है, AIIB की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अभी नए चेयरपर्सन कौन है जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, कौन है इनके अध्यक्ष बताइएगा, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है। अच्छा, अगर आ जाता है कि इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका हेड ऑफिस होता है नोएडा। ठीक है, चेयरमैन कौन अभी अभी बनाएगा, इनका नाम बताइए। देखो भाई इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा अमिताभ प्रसाद। ठीक है, अमिताभ प्रसाद को बनाया गया है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अभी अभी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन के चेयरमैन किसको बनाया गया है, अभी अभी कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस फेडरेशन का चेयरमैन इनमें से किसको नियुक्त किया गया है, ABCDE, आंसर करिएगा। सी इसका आंसर क्या होगा, विवेक कोहली। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किन्होंने पीवी सिंधु को इंडोनेशिया ओपन में हराया था, कौन सी प्लेयर ने पीवी सिंधु को इंडोनेशिया ओपन 2019 में हराया अभी अभी,
नोज़ोमी ओकुहारा, अकान यामागुची, मिसाकी मत्सुटोमो, युकी फुकुशिमा या इनमें से कोई भी नहीं? आंसर बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर टाइप कर दीजिएगा सभी लोग। हाँ, इसका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। इसका आंसर क्या होगा? अकेने यामागुची। ठीक है, अब देखो एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, कौन से देश की है? ये सवाल बन सकता है, ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है। ठीक है, ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ये सवाल आपसे एग्जाम में पूछता भी है कि कौन से देश की है और कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है, अब चूंकि इन्होंने पीवी सिंधु को हराया है तो इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या नाम है? अकाने यामागुची। कौन से देश की? जापान। क्या है? बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कौन से बैंक ने लॉन्च किया है एक नया प्लेटफॉर्म इंस्टा बिज? किसके लिए है ये? जो MSMEs होते हैं और जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर होते हैं उनके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लाया है इंस्टा बिज। कौन से बैंक ने इसको लॉन्च किया बताइएगा। ABCDE क्या आंसर होगा? देखो सबसे पहली बात तो इंस्टा बिज क्या है, ये कस्टमर को अलाउ करता है, अवेलेबल देता है कि एक प्लेटफॉर्म की तरह से काम करेगा जो मोबाइल में और लैपटॉप्स में खुल सकेंगे। ठीक है, इसमें जो भी MSME से रिलेटेड अपना बिजनेस कर रहे हैं, जिनका छोटा मोटा बिजनेस है या जो सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स हैं, ये क्या कर सकते हैं? इन लोगों को 115 लगभग सुविधाएं मिल रही हैं इसमें, जिसके तहत ये लोग अलग अलग सुविधाएं उठा सकते हैं। इसके साथ ही साथ इनको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 15 लाख की दी जाएगी, और तो और इसमें पेमेंट ऑफ GST तुरंत हो जाएगा। पहली बार ऐसा एक प्लेटफॉर्म आया है जो कि तुरंत का तुरंत पेमेंट ऑफ GST आपके द्वारा कर दिया जाएगा। जैसे आप करोगे वैसे इसमें पेमेंट आराम से कर दोगे। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म को लाने वाला बैंक कौन सा है? ये है ICICI। ठीक है, ICICI बैंक इसे अभी अभी लेकर आया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राइनो बॉन्ड की नई वैल्यू क्या है जो कि केन्या में लॉन्च की गई है? राइनो बॉन्ड जो कि केन्या में लाया गया है, इसकी वैल्यू क्या है? राइनो बॉन्ड क्या है? एक तरीके का एनवायरमेंटल बॉन्ड है जिसके तहत राइनो को सेव किया जा रहा है। ठीक है, कहा जा रहा है कि ये आपको अच्छा यील्ड देगी और इसमें कोई रिस्क नहीं होगा। ठीक है, तो इस बॉन्ड को लाया गया है, आपको ये बताना है कि कितनी वैल्यू है इसकी, क्या वैल्यू है बॉन्ड की? रेपो और रिवर्स रेपो में क्या डिफरेंस है, ये मैंने सेशन में बता रखा है, आप देख सकते हो। जब RBI बैंकों को लोन देता है तो रेपो रेट से इंटरेस्ट लेता है, और जब RBI बैंकों से पैसा डिपॉजिट लेता है तो रेपो रेट का इंटरेस्ट देता है, यही डिफरेंस होता है। ठीक है, देखो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है $50 मिलियन, $50 मिलियन होगा इसका आंसर। राइनो बॉन्ड की बात हो रही है, राइनो बॉन्ड कहाँ पर लॉन्च किया गया है? केन्या में। किस लिए? राइनोसोरस के लिए बेसिकली लाया गया, एक एनवायरमेंटल बॉन्ड कहा जा रहा है। ठीक है, अच्छा हमने एक और बात की थी, एलिफेंट बॉन्ड, अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो फटाफट देख लेना सेशन के बाद। अब अगला क्वेश्चन देखो, कौन सी कंपनी जो है वो अभी अभी अधिग्रहण कर ली है 100% हैमले ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड में? कौन सी कंपनी ने 100% अक्वायरिंग कर ली है हैमले ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड को? ABCDE। ठीक है, कौन सी कंपनी ने किया बताइएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना सभी लोग। हाँ, लंडन बेस्ड है, आपको ये बताना है कौन सी कंपनी ने किया है। यस, वेरी गुड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रिलायंस। ठीक है, रिलायंस किसके द्वारा हेड की जाती है? मुकेश अंबानी द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल फाइनेंशियल और कमर्शियल अफेयर की एक कमिटी बनी है जो फाइनेंशियल और कमर्शियल रिलेटेड चीजों को देखेगी, आपको बताना है कि जो कमिटी बनी है इनके चेयरपर्सन कौन है। ठीक है, चेयरपर्सन कौन है इस कमिटी के, बताइएगा आंसर। हाँ देखो भाई, इसके जो चेयरमैन है ये हैं एहसान मनी। एहसान मनी इसके चेयरमैन है, किसकी? जो अभी अभी कमर्शियल और आपकी फाइनेंशियल अफेयर कमिटी बनी है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल द्वारा, इसके चेयरपर्सन है एहसान मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा।
कौन सा बैंक एक नया कैंपेन लेकर आई है एसबी चैलेंजर? इनमें से कौन सा बैंक एक नया कैंपेन लेकर आई है एसबी चैलेंजर? सिंडिकेट बैंक, स्टेट बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कौन सा बैंक है? जल्दी जल्दी आंसर बता दो। सी, इसका आंसर क्या होगा? ये लेने लेकर आने वाली है कॉरपोरेशन बैंक, ठीक है। एसबी चैलेंजर जो आप देख रहे हो ना, इसके तहत सेविंग अकाउंट का जो बेस है, सेविंग अकाउंट का बेस है, इसको तगड़ा करने के लिए एक नया लेकर आई है, जिसके तहत जो कस्टमर्स हैं उनके लिए बाकियों को भी थोड़ी सुविधा दी जाएगी, और इसको जो है खत्म करेगी 23 अगस्त को। 23 अगस्त तक ये कैंपेन चलेगा, जिससे इनका सेविंग अकाउंट का जो बेस है वो और मजबूत हो सके, ठीक है। कॉर्प एलाइट, कॉर्प डिलाइट, दो अलग अलग तरीके के इनके जो है प्रोडक्ट्स टाइप हैं, उसी के तहत इसको किया जा रहा है। कॉर्प एलाइट और कॉर्प डिलाइट, ये भी पूछ सकता है कि ये किसके प्रोडक्ट्स हैं, ये आपके कॉरपोरेशन बैंक का प्रोडक्ट है, ठीक है। एसबी चैलेंजर क्यों लाया गया? सेविंग अकाउंट बेस जो होता है उसको तगड़ा करने के लिए। किसके द्वारा लाया गया है इसको? कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री कार्बन टैक्स इम्पोज की है? अभी हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री कार्बन टैक्स लेकर के आई है? साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या यूएसए, कौन सी कंट्री है? कार्बन टैक्स क्या होता है? जो भी कार्बन कंटेंट वाले फ्यूल्स होते हैं उस पर लगाया जाता है, ठीक है। कह सकते हो कार्बन प्राइसिंग वाला काम करता है, जो भी जिससे भी कार्बन एमिट हो रहा है उन सभी चीजों पर लगने वाला टैक्स कार्बन टैक्स होता है। कौन सा देश लाया है? हाँ देखो, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका लेकर के आया है कार्बन टैक्स, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एटीएम के नंबर रहे हैं 2018-19, ठीक है। पिछले साल में कौन से राज्य में सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड एटीएम रहे थे आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक? कर्नाटका, महाराष्ट्र, केरल, नई दिल्ली या आंध्र प्रदेश? आंसर बताइएगा। हाँ सही है। देखो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हाईएस्ट नंबर ऑफ एटीएम्स रहे हैं। अच्छा, अगर पूछा जाए किस बैंक का सबसे ज्यादा एटीएम है, ये आपका एसबीआई होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंडिया का नया ग्रोथ रेट क्या है आईएमएफ द्वारा जो दिया गया है, ठीक है। आईएमएफ द्वारा इंडिया का नया ग्रोथ रेट क्या है बताइएगा। आंसर बताइएगा। हाँ, इसके आंसर एक बार एक दिन जो हुआ था वो अपन लोग क्या किए थे, मैं आपको पढ़ाई थी, बट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 7%। पहले 7.3 था लेकिन उसको 7 कर दिया। अच्छा, अभी अभी आरबीआई ने रिवाइज किया है, ठीक है, 6.9 कर दिया है। पहले कितना आरबीआई ने कहा था? 7%, अब 6.9। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक कितना बताया गया था? 7.5%, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा बैंक लॉन्च किया है स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड पार्टनरशिप में कॉमन सर्विस सेंटर के साथ? कौन सा बैंक कॉमन सर्विस सेंटर की पार्टनरशिप में स्मॉल बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? HDFC, SBI, एक्सिस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या ICICI? के आंसर होगा, हाँ ये SBI का तो लास्ट सेशन है ना, कल तो SBI का पेपर ही है, तो आज कैसे इसके बाद ये सेशन का क्या मतलब है? आंसर बताइएगा सभी लोग। देखो ये जो है सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स को दिया जा रहा है, जिससे वो बिजनेस के रूप में जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स हैं वो उसको अपना सकें, ठीक है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका HDFC। HDFC बैंक CSC के साथ में मिलकर ऐसा क्रेडिट कार्ड लेकर आई है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सिटी होस्ट किया था यूके इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड कमिटी मीटिंग 2019 की?
कौन सा सिटी होस्ट किया था इस मीटिंग को? बर्मिंघम, पुणे, नई दिल्ली, लंदन, दुबई। क्या आंसर होगा? SLR का रेट आपका, ठीक है? देखो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा लंदन। लंदन में ये जो है ट्रेड मीटिंग हुई थी, यूके इंडिया जॉइंट इकोनॉमिक और ट्रेड कमिटी की मीटिंग हुई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखो, बैंक ऑफ इंग्लैंड द्वारा यूरो 50 की नोट पे अब किसकी फोटो आएगी? बैंक ऑफ इंग्लैंड ने जो फैसला लिया है उसके हिसाब से यूरो 50 पे अब किसकी जो है इस नोट पे फोटो आएगी? जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा, किसकी फोटो आएगी? अच्छा, ये क्लास में एक बार और बताई थी मैं आपको, इस पे फोटो आएगी एलन ट्यूरिंग, जिनको कि फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहते हैं। एक और चीज, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर पूछ ले तो ये याद रखिएगा, इनका नाम है एम कार्ने, ठीक है? मार्क कार्ने, ठीक है? चलो, ठीक है, एलन ट्यूरिंग की फोटो आएगी अब किस पे? यूरो 50 पर। यूरो 50 पर अब एलन ट्यूरिंग की फोटो आएगी, ध्यान रखिएगा, फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहे जाते थे एक समय में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अभी करंट सेशन जो है इसके हिसाब से वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कितनी जो है कल्चरल साइट्स हैं? वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने जैसा लिस्ट बनाया था, कितनी कल्चरल साइट जो है भारत में है आपको बताना है। आंसर बताइएगा कितनी है। हाँ भाई, लाइक कर दो सेशन को प्लीज, एक ही लोग बस परेशान है, इतने लोग देख रहे हो और लाइक तो बहुत ही कम है उसके हिसाब से। 500 लोग देख रहे हो, 200 लाइक है, एक एक लाइक बार, एक एक बार ही लाइक तो प्रेस कर ही दो आप लोग। देखो इसका आंसर गलत आ रहा है बहुत सारा, इसका आंसर आपका होगा 29 को जो है कल्चरल साइट्स में रखा गया है। अच्छा, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज धरोहर जो होती हैं, धरोहर साइट्स जो होती हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल अगर पूरे देश में कितनी, पूरे विश्व में है 1092 पूरी साइट्स हैं। भारत में टोटल कितनी है? भारत में है टोटल 37, ठीक है? इसमें से जो 29 है ये कल्चरल हैं और जो 7 है ये आपकी नेचुरल हैं। याद रखिएगा, भारत में 37 है, 29 कल्चरल, 7 नेचुरल, और पूरे विश्व में 1092 साइट्स हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात हो रही है, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए, अभी अभी कौन सी कंट्री जो है कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल बनाई है जिसके तहत वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने वहां पर अट्रैक्ट करे, वो भी ज्यादातर भारत से। कौन सी कंट्री भारत से जो है इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए एक कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल बनाई है? आंसर बताइएगा। फटाफट बताना। इसका आंसर क्या होगा? कजाकिस्तान, ठीक है? कजाकिस्तान इसका आंसर होगा, ओके? हाँ, एक बढ़ा था उसके बाद से बढ़ गई थी साइड, ठीक है? अभी रिसेंटली जब बढ़ा था उस फिर बढ़ गई थी, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिए कितना मिलियन रुपया भारत द्वारा बोलिविया को दिया गया है ताकि वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को और बेहतर कर सके। कितना रुपए जो है ग्रांट किया गया है इंडिया द्वारा बोलिविया को ताकि वो फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को और बेहतर कर सके? आंसर करिएगा। जल्दी जल्दी आंसर करना। हाँ देखो 38 होगा, ठीक है? वो वाला 38 ही है, पहले आपका क्या था, अब 30 वो साइड्स हो गए, 8 इधर की साइड्स हो गई, ठीक है? तो ये आपकी 38 हो गई है, ओके? चलो अभी इसका आंसर बता दो कि क्या होगा। सी कितने रुपए दिए गए थे, ये दिए गए थे $100 million, ठीक है? $100 million। अब दो चार आपके और जो हैं क्वेश्चंस हैं, बस फिर सेशन को अब वाइंड अप किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
कौन सी अफ्रीकन कंट्री में भारत जो है इंडिया अफ्रीका इंस्टीट्यूट बनाने वाला है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट का? कौन सी अफ्रीकन कंट्री में भारत IAIARD सेटअप करने वाला है? उगांडा, मलावी, नाइजेरिया, तंजानिया या इनमें से कोई भी नहीं, क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी आंसर करना। हाँ, इसका आंसर होगा मलावी। ठीक है, अच्छा मलावी का करेंसी क्या होता है? क्वाचा। क्या होता है? क्वाचा। और कैपिटल क्या होता है? लिलोंग। ठीक है, लिलोनवे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखिएगा। देखिए, कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अभी गाइडलाइन रिलीज की है डिजिटल हेल्थ टेक्नोलॉजी को बेहतर करने के लिए, जिससे कि लोगों की जो स्वास्थ्य है वो बेहतर हो सके? कौन सी टेक्नोलॉजी ने रिलीज की है? ठीक है, आंसर बताइएगा। हाँ, आज गलत कर लो, कल मत गलत करना। आज कर लिया तो हो गया, कोई बात नहीं। यस, आंसर विल बी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब भी ऐसी हेल्थ वाली बात आती है, डिजिटल आ जाए या कोई भी आ जाए और उसमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो समझ जाए करो यही कुछ किए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, आंसर बताइएगा। इनका नाम तो मुझे लगता है आप सभी को पता ही होगा। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेड ऑफिस तो आपको पता ही होगा, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड होगा इसका हेड ऑफिस। और इसके जो चेयरमैन है ये हैं रॉबर्टो एजेवाडो। ठीक है, रॉबर्टो एजेवाडो। देखिए भाई, नेशनल एजेंसी का नाम बताइएगा जो अभी एक वेटेज सिस्टम लेकर आई है अपॉइंटमेंट के लिए कंपैशनेट ग्राउंड पे। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताइएगा जो अभी एक नया सिस्टम लेकर आई है अपॉइंटमेंट्स के लिए। कौन सी ऐसी संस्था है, आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा CBIC। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। अच्छा, ये क्या करती है? जितने भी आपके देश में इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि GST, कस्टम ड्यूटी, इन सभी को देखने का काम, कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो कौन करता है? CBIC, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। ठीक है, इनके अभी जो है चेयरमैन ये कौन है? PK दास। ठीक है, और जो डायरेक्ट टैक्सेस को देखने के लिए है वो है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इनके चेयरमैन है PC मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ऑनलाइन राइटिंग, ठीक है, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को जो ऑनलाइन राइटिंग होती है, ये एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है ग्रुप बी और सी के अधिकारियों के लिए कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग की जाए इनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट को। ठीक है, आपको बताना है इसका नाम क्या है। ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम आया है, इस सिस्टम का क्या नाम है, ये आपको बताना है। इसमें से क्या आंसर होगा बताइएगा। वेरी गुड यश पाटिल, सबसे पहला और सबसे सही आंसर आया है। आंसर होगा स्पैरो। ठीक है, आंसर क्या होगा? स्पैरो। स्पैरो का फुल फॉर्म ध्यान से देख लीजिएगा, स्मार्ट परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो। ठीक है, बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी यहाँ पे परफॉर्मेंस अप्रेजल की गवर्नमेंट ऑफिसर्स द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर जो ग्रुप बी और सी वाले हैं वो क्या कर सकेंगे? ऑनलाइन अप्रेजल रिपोर्टिंग जो है आराम से इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकेंगे। ठीक है, चलो तो हमारी हो गई आज की ये सारी स्लाइड्स। ठीक है, सबसे पहली बात फिर मैं दोहराऊंगी, आराम से जाना। ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आपको लगता है क्वेश्चन टफ हो रहा है, आसान हो रहा है, बिल्कुल पैनिक मत करना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, खुद पे विश्वास रखना। पैनिक किए बिना ही पेपर देना, आराम से देना, पानी वानी पी लेना और रात में जल्दी सो जाना, टाइम से उठ जाना, लाइट खाना खाना। ओके, अब बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में मत फंसो, उन सारे क्वेश्चन को छोड़ दो जो आपको लगता है टफ है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसी क्वेश्चन का करो जो आप बिल्कुल श्योर हो, जो टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। GA की स्ट्रेटेजी हमेशा ध्यान रखना, GA में अगर आपको कुछ तुक्का मारना है तो चीज़ों को कोरिलेट करके मारो, जय माता दी एग्जाम के अंदर मत करना।
ठीक है। चलो, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही सेशंस आते रहेंगे आपके लिए जब भी आपके एग्जाम आते रहेंगे, ठीक है। 4-5 बजे जो आपका सेशन आता था करंट का, वो फिर कंटिन्यू किया जाएगा एमसीक्यू के रूप में मंडे से। चलो, तो अब क्या करोगे, अब लाइक कर देना और मिलेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका दिन मंगलमय हो। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जय हिंद, जय भारत, एंड आई लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।